सोशल मीडिया पे जब एनिमल क्रुएल्टी देखता हूँ तो मुझे बहुत ये होता है और मैं रोने लगता हूँ। बोलता हूँ कि राजस्थान अलवर में यहाँ पे उन्होंने कुत्ते को बांध के उनके पैर काटे, या पतरंग पटियाला में एक इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए एक आदमी ने बंदूक लेके एक सोते कुत्ते को गोली मार दिया, तो मैं एकदम डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ये एक बेचारे जानवर को मारने की क्या जरूरत है, मैं कुछ भी तोड़ सकता हूँ, मैं तो बाइक उठाता हूँ, मैं तो आदमी को भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं जानवर पे हाथ नहीं उठाता हूँ, इंसान पे भी हाथ नहीं उठाता हूँ मैं। जी जी। तो क्यों जानवर को एक बेजुबान को मार के आपको क्या मिलेगा? जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, जो इंडिया का बेसिक एनिमल प्रोटेक्शन लॉ है पशु संरक्षण के लिए, वो 1960 से अमेंड नहीं हुआ है, तो उसको चेंज होने की, उसको स्ट्रांग बनाने की जरूरत है ताकि जो लोग एनिमल क्रुएल्टी करें उनको डर रहे लॉ का। तो मेरी आपसे और सारे भारत के नागरिक से यही विनती है कि एक तो एनिमल क्रुएल्टी ना करें, दूसरा आप और पूरा भारत इस कॉज के लिए खड़ा हो और ये लॉ चेंज हो, ये लॉ को स्ट्रांग बनाया जाए। ये बहुत जरूरी है कि हम ये जाने कि जानवर और इंसान दोनों एक ही लेवल पे होते हैं। एनिमल क्रुएल्टी के बहुत सारे डेफिनेशन होंगे। एक जब कोई पेट लाए और उसको ठीक से संभाल नहीं पाए, उसकी वजह से रोड पे छोड़ दिए, दैट्स एनिमल क्रुएल्टी। और इट कैन गेट वर्स जहां लोग एक्चुअली मारेंगे जानवरों को फॉर नो रीजन। रस्ते में आए, किसी को दिखाना है कि मेरे में इतना ताकत है, तो वुंड द डॉग ऑन द रोड, एनिमल क्रुएल्टी। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट आप पेट खरीद रहे, आप ला रहे उसको घर पे, आपको अगले 13 साल 14 साल संभालना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट एनिमल कैन नॉट सर्वाइव ऑन द रोड, देयर इज नो चांस। फॉर द पीपल हु आर नॉट एनिमल लवर्स, शायद डरते हैं या जस्ट उनको पसंद नहीं है जानवर, दैट्स फाइन, उनको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है ना उनपे, उनको मारने की जरूरत नहीं है। दीज डॉग्स कैट्स काउज जो हम लोग उनको स्ट्रे बुलाते हैं या इंडीज बुलाते हैं, वो हमेशा थे। यू मे हैव मूव्ड इनटू अ बिल्डिंग बट दे हैव बीन देयर बिफोर। उनको समझना है कि यू आर शेयरिंग दिस स्पेस विद दीज एनिमल्स। वंस दैट इज अंडरस्टूड, थिंग्स विल जस्ट गेट बेटर ऑटोमेटिकली।